होने के बाद। अरे मारे यार मेरा भाई देख। जैसे कि आप सभी लोग नीचे थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि आज जो है मेरा बर्थडे है और ये ब्लॉग होने वाला है मेरा बर्थडे व्लॉग। और ये ब्लॉग बनाने में बहुत एक्साइटमेंट में हूँ मैं ये ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं अपना 101% देने वाला हूँ ये ब्लॉग बनाने के लिए। वैसे तो हर ब्लॉग में अपना 101% देता ही हूँ, लेकिन आज का जो ब्लॉग बनाने में अपना पूरा 101% देने वाला हूँ ब्लॉग बनाने में। और आप लोग का भी गाइस एक फर्ज बनता है कि ब्लॉग को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, उन लोग को बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी सब्सक्राइबर लोग का फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम लोग हो चुके हैं 300+ फैमिली गाइस। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बर्थडे पे 300+ फैमिली हम लोग हो चुके हैं। और ये 300 फैमिली बनाने में बहुत सारे जन का सपोर्ट था, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो आज हम लोग 300+ फैमिली नहीं होते। तो उसके लिए गाइज थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, मेरे को बहुत सारे जन का DM मैसेज और मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप में भी मैसेज है, इंस्टाग्राम में मैसेज है, आप सभी के विशेष के, उसके लिए भी थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। और जिन लोग ने मेरे को मैसेज नहीं किया, जिन लोग ने मेरे को विश नहीं किया, उनके लिए भी थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो भी पहले के ब्लॉग की तरह होगा। आप सभी को तो पता होगा कि मैं और मेरे दोस्त कहीं जाते हैं नए लोकेशन पर, वहाँ पर जाके फोटोशूट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो आज भी वैसा करने वाला, हम लोग कहीं जा रहे हैं नए लोकेशन पर, वहाँ पर जाके हम लोग फोटोशूट करेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। और होगा तो शायद वहाँ पर हम लोग केक कटिंग भी करेंगे, मेरे दोस्त लोग शायद केक लेके आने वाले हैं और मुझे सरप्राइज देंगे। वैसे मुझे सरप्राइज तो पता ही है। सो गाइज बेसिकली मैंने अभी देव को भी ले लिया, अंकित को भी ले लिया और जॉन को भी ले लिया, तो वो लोग गए केक लेने के लिए और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया है कि मुझे पता ना चले कि वो कौन सा केक है। वैसे मुझे पता है कि केक कौन सा होने वाला है, लेकिन वो लोग मेरे को सरप्राइज देने चाहते हैं, तो अच्छी बात है सरप्राइज दे। और हाँ, जाते हुए कहीं पे हम लोग बीच में कहीं पे रुकेंगे फोटोशूट के लिए, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या पहना है। और मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ गाइस, तो ये लोग अब आने वाले, तो आप लोग को मैं बाद में मिलता हूँ। कौन है तेरा यार? यार हाय।
मतलब क्या मेरा तो यार यार मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 1,000,000 बार शुक्रिया तुम जैसे चुनियों का सहारा है दोस्तों तुम जैसे चुनियों का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों ये दिल। तो गाइस हम लोग अभी रुके हैं कहीं पे थोड़ी देर के लिए फोटोशूट के लिए, जैसे मैं आपको बताया था। अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या लगाया आज, क्या पहना है आज। और गाड़ी में गाइस जो मज़े आ रहे हैं, जो गाने बजा रहा है उनके दिल खुश कर दिया, बहुत सच्ची बात है, दिल खुश कर दिया। तो आपको मैं दिखाता हूँ आज मैंने क्या पहना है गाइस। शॉर्टी में स्केचर्स में देता शॉर्ट, पब्लिक जाती सीधा स्ट्रेचर पे। तेरे फेवरेट रैपर्स अपने लिए प्रेशर है, लोकी तू भी जानती है अपुन इनसे बेटर है। हाथ में घोड़ा रखता है इनको अंडर प्रेशर है। शॉर्टी फैशन हुआ वेस्ट स्लिम फैट एस, उसको पसंद लड़के मेरे जैसे बैड एस। तेरे जूते बाटा घर पे खाता चाटा, तेरे हरकतों से लगता तू है जैक एस। दस्ता पीठ पीछे तू तो मेरा ब्रो नहीं है, देता कोनी मुँह पर लेता सबकी गोनी में। गला बांधू तेरा सर से लेके पोनी में, रियल लाइफ शेडी MTV का शोनी। तू पंजाब की बिल्लो और मैं बॉम्बे से बिल्ला, शॉट देते बिल्ला अलहम। गाइस हम लोग अभी लोकेशन पर आ चुके हैं, वहाँ पर मेरा केक रेडी है, सब लोग फोटो वोटो खींच रहे। तो आप लोग को पहले लोकेशन दिखा देता हूँ गाइस, और लोकेशन तो बहुत जोरदार है, मतलब एक नंबर कड़क। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तुम इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल फूंक से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए। यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट, ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताएं, मुना बिगाड़ो आज तुम्हारा। सो गाइस केक कटिंग हो गया है, इन लोग ने बहुत मतलब अच्छा केक लिया और इन लोग ने सब साइड साइड का खा लिया, मेरा कोई हिस्सा इन लोग ने खाया नहीं, इन लोग ने इतने बचा बचा गया है, मतलब सोच लो अभी ये लोग कैसे करके। तो थैंक यू सो मच गाइस ये केक लेके आने के लिए, तो आप लोग को मैं बाद में मिलता हूँ ये पूरा केक खत्म होने के बाद। अरे मां अरे यार मेरा भाई ले गया आगे से, यही बचा था अब। बस रे भाई, अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए होटल पे, चेतेश्वर होटल। और तुम्हें क्या खाने वाले थे? मैं तो खाऊंगा पनीर टिक्का, पनीर अंगारा, पनीर मसाला, पनीर हांडी, पनीर पनीर तूफानी, पनीर अंगारा, पनीर चिकन। श्रावण चल रहा है मेरा, छास वो लास्ट में पापड़, स्टार्टर पापड़, फिर
फिर दाल चावल भी खा लेंगे साथ में, वो तो चाहिए, वो तभी पेट भरेगा मेरा। बहुत कुछ खाने वाले, आज मेरा बिल बहुत लंबा होने वाला मुझे पता है। बाद में मिलता हूँ आपको, दिखाता हूँ क्या खाने वाला है। और बाजू में यहाँ पर एक छोटा सा प्ले ग्राउंड जैसा है, तो आप मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि नीरव या जॉन का किसका वेट ज़्यादा है, किसका वजन ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है। अरे जॉन का ज़्यादा है, जॉन बहुत खाएगा, नीरव कम खाएगा। वो अंकित वहाँ पर झूला झूल रहे हैं, मतलब सब बच्चे बन गए मेरे को छोड़ के, मैंने कुछ ही नहीं किया। अभी गाइस हम लोग आ चुके लंच करने के लिए और ये सब आए हैं खाना खाने के लिए। ये अंकित यहाँ पर है, देव यहाँ पर है और थाली आ चुकी है। तू तो दिखा, ये रहा ये आदमी यहाँ पर, ये आदमी यहाँ पर। और खाने में जो मंगाया है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मेरे दो और कमीने दोस्त है, ये अल्पेश है, ये एसपी है, जो मेरे साथ में काम करते हैं, ये साथ में करते हैं। चलो मैं बाद में मिलता हूँ। तो गाइस अभी लंच आ चुका है और यहाँ पर है पनीर तवा मसाला और पनीर मसाला मसाला और बटर रोटी और पापड़ फ्राई और सब रेडी है खाने के लिए। सब अटैक करने वाले अब खाने पर, तो आप लोग को जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दिखाता हूँ। देव रेडी, अंकित रेडी, तू कब से भूखा है? बहुत भूखा हूँ मैं, भूखा सब भूखा है, मैं भी भूखा हूँ। अभी आपको डायरेक्टली मिलता हूँ लंच के बाद, बाय। अभी ये लंच खत्म हो चुका है। अंकित मजा है? यार बहुत मजा। देव मजा है? अल्पा मजा है? एसपी मजा है? बहुत मजा है। नीरव छाछ है, छाछ दूध नहीं पी रहे हम लोग। तो अभी बिल का पेमेंट कर देना तुम लोग, बिल का पेमेंट कर देना, मैं जाता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अभी ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा तो बहुत मैजिक का बोलते हैं, अगर गर्म पानी डालने से या ठंडा पानी डालने से कुछ इसमें असर होता है, तो मैं इसको मैं बाद में चेक करूँगा और ब्लॉग डायरेक्टली में अभी रात को एड करूँगा। अभी एक और केक कटना बाकी है, घर में पार्टी बाकी है, घर का केक कटना बाकी है, उसके बाद डायरेक्टली घर का केक नहीं है ऐसा मेरे को पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दुकान खोल के भी केक लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। तो मैं आपको डायरेक्टली शाम को मिलता हूँ केक कटिंग के टाइम में, तो बाय। सो गाइस मुझे अभी भी पता चला है कि मेरे घर पे कोई केक नहीं मेरे लिए और मेरा पोपट हो चुका है यहाँ पर। मैंने सोचा था कि शाम को केक कटिंग करूँगा फैमिली के साथ में, कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मेरे लिए कोई केक नहीं घर पर। कोई बात नहीं, चलता है, मैंने अपने दोस्तों के हाथ में केक कटिंग कर लिया तो इट्स ओके। लेकिन गाइस मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था घर पर, और वो सरप्राइज़ को मैं देख के गाइस बहुत मतलब बहुत अभी शॉक में हूँ और बहुत खुश भी हूँ वो सरप्राइज़ को देख के। आई नो कि आप लोग भी एक्साइटमेंट में होंगे वो सरप्राइज़ को देखने के लिए, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ वो सरप्राइज़ क्या था गाइस। देख लिया होगा सरप्राइज से मुझे क्या मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को एक लैपटॉप मिला है, वो भी डेल का लैपटॉप मिला है। मैं बहुत मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि गाइस एक ब्लॉगर के लिए उसके लिए कैमरा और लैपटॉप होना तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास एक कैमरा मतलब मोबाइल तो है अच्छा था, लेकिन लैपटॉप नहीं था एडिटिंग करने के लिए। जो भी मैं पहले एडिटिंग करता था अपने मोबाइल से करता था, अब जो भी एडिटिंग करूँगा अपने मैं लैपटॉप से करूँगा। तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत महीनों से बोल कर रखा था कि मम्मी मेरे को एक लैपटॉप चाहिए था करके, क्योंकि मेरे को एडिटिंग अच्छी करनी करके। तो मेरी मम्मी ने आज मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया, तो थैंक यू सो मच मॉम डैड और मेरे भाई के लिए कि उन लोग ने मेरे को एक अच्छा सा गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पर। सो गाइस लास्ट में मैं अपने
सभी सब्सक्राइबर लोग का जिसने भी मेरे को विश किया है, बर्थडे विश दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। तो ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है गाइज, अगर अभी तक आप देख रहे हो मेरा बर्थडे ब्लॉग तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और नीचे वो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको जूते फेंक के मारो, पत्थर फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन वो दब जाना चाहिए एज अ मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो आप लोगों में जल्दी मिलता हूँ अपने ऐसे किए थे छोटे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और सायोनारा और सेफ रहिएगा।